बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर। वैसे आप पहले भी जानते हैं कि डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर होती है। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसको क्या करते हैं, उसके रेसिप्रोकल से यानी उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 / 3/8, इसको डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा, डिवीज़न बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होती है। बस में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम इसको डिवीज़न को, जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और ये जो नंबर है आपका जो डिवाइज़र है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। ये आएगा 1/2 इक्वल टू का साइन ज़रूर डालिए करें, मल्टीप्लाई बाय 8/3। आगे से सब बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, 1 × 8, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब हमने चेक करना है क्या ऊपर और नीचे, हमेशा ऊपर और नीचे देखना है कि नंबर्स एक ही टेबल में आ रहे हैं। आपने देखा 2 और 8 आ रहे हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब बाकी हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, 1 4s are 4, 3 1s are 3, तो 4/3 आपका आंसर आ गया। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मिक्स नंबर के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक भी सही है। इससे क्वेश्चन नंबर 2 है, -5/6 / 3/2। इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मिक्स नंबर आ रहा है, तो पहला स्टेप क्या है कि हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लिखेंगे -5/6 / अभी हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज नहीं करें, इसको चेंज करना है, 2 3s are 6 + 1, क्या हो गया 7/2। अब हमने क्या करना है, -5/6 को क्या करेंगे, डिवीज़न बिल्कुल सेम है, क्या ये स्टेप याद रखना है, जब भी आपको डिवाइड करने के लिए दो फ्रैक्शंस दे रहे हैं, रैशनल नंबर दे रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई ही में चेंज कर देना है और यहाँ पे आप जो आपका डिवाइज़र है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आगे से तो बिल्कुल वही है जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, -5 / 2 / 6 / 7। अब हम देख रहे हैं कि दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब आपके पास यहाँ क्या बच गया, -5 को 1 से करेंगे -5 और 3 7s are 21, ये आपका आंसर आ गया। एक और सवाल मैं यहाँ आपको कर देती हूँ कि ये 27/46, दूसरा स्टेप क्या होगा, जब भी डिवाइड आएगा तो उसको हमने प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई में चेंज करना और यहाँ पे रेसिप्रोकल आ जाएगा यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 27 × 69 और यहाँ पे क्या आएगा, 46 × 81। 27 की टेबल में 81 आता है, 27 1s are 27 3s are 81। अब देख रहे हैं और कोई नंबर, अब देखिए ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। 23 और 46 एक टेबल में आ जाएंगे, 23 1s are 23, 23 2s are 46। अब आपका आंसर क्या आया, 1, और नीचे क्या आया, 2 1s are 2, क्योंकि यहाँ पे 1 बच गया था, 1 1s are 1 and 2 1s are 2, तो आपका आंसर आया 1/2। तो ये इस तरीके से हमने डिवीज़न करनी है, डिवीज़न एक सेम ही है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है, बस इसमें एक स्टेप ऐड हो जाता है कि हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं और डिवाइज़र का रेसिप्रोकल लिखते हैं यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं, फिर आगे से जैसे मल्टीप्लिकेशन की तरह सॉल्व करना है इसको।